तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चित्रवंशी ब्लॉग। आज मैं पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र के नासिक जिले में और ये जो मेरे पीछे का आप एरिया देख रहे हैं ये है पंचवटी और यहाँ की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा निराली है और आज मैं आपको पूरा पंचवटी टूर कराऊंगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित यहाँ पर वनवास के कुछ दिन काटे थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है रामकुंड, यहाँ पर स्नान करने की भी अपनी बहुत ज़्यादा मान्यता है। वीडियो में बने रहे, नीचे चलते हैं और दिखाते हैं। नासिक में रामकुंड गोदावरी नदी पर स्थित है जो असंख्य तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ भक्त स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ पर स्नान करने की अपनी बहुत बड़ी मान्यता है। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर पंचवटी, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था, वो स्थान भी आप घूम सकते हैं और यहीं पर तपोवन है जहाँ से लक्ष्मण जी ने सुपर्णिका का नाक काटा था। तो चलिए आज आप लोगों को नासिक दर्शन कराते हैं और इसके साथ ही कालाराम मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं। ये सामने जो है ये रावण का क्या है, मंदिर है क्या? रावण है। अच्छा, ये रावण है ऐसा बोलते हैं। और ये जो यहाँ ये वाइट में और ये लक्ष्मी जो वाइट कलर का पिलर है, ये राम जी है। और ये बगल में क्या है, ये लक्ष्मण जी, ये लक्ष्मण जी है। इधर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भैया वो तो है ही और गर्व तो है ही इस बात का। ये स्पेशल बालकनी का मजा ले रहा है, यहाँ पर जितने लोग नहा रहे हैं ना सबको दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट राइडिंग भी हो रही है इसमें। देखते हैं कि काफी पुराने पुराने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जो ऊपर देखिए ये मंदिर काफी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, अगर नासिक शहर की बात करें तो इसका जो नाम है वो मराठी भाषा में नासिक नाम से संबोधित किया जाता है। यह शहर मुंबई से मात्र 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासिक नगर प्रमुख रूप से हिंदू सनातन धर्म का तीर्थ स्थल है। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर और पवित्र नगरी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे दक्षिण की गंगा के भी नाम से संबोधित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी में रुके थे तो यहीं पर श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी ने लंकाधिपति रावण की बहन सुपर्णिका का नाक काट दिया था, जिस कारण से इस स्थान का नाम नासिक पड़ गया। आइए चलते हैं नीचे की ओर और गोदावरी नदी का जल ले लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ में गोदावरी नदी का उतना ही महत्व है जितना नॉर्थ में गंगा नदी का है, तो आज यहाँ से जल लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, रामकुंड को नासिक का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वनवास के दौरान भगवान श्री राम यहीं पर स्नान किया करते थे और यही मान्यता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेरों संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और सभी के सभी गोदावरी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको घाट के ही पास कुछ मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको भोलेनाथ से लेकर के रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी के भी मंदिर देखने को मिलेंगे। तो अब आइए यहाँ से लेकर आप लोगों को चलते हैं पंचवटी के तरफ, वही पंचवटी जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था और सुपर्णिका की नाक भी काटी गई थी। तो ये गलियों के माध्यम से मैं पहुँचूंगा। बीच में यहाँ पर देख सकते हैं आप शनि भगवान का मंदिर दिख गया, तो यहाँ पर भी शीश नवाकर आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं पहुँचने वाला हूँ पंचवटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामायण के दौरान जो भी चीज़ें घटित हुई थी, जैसे यहाँ पर लंकेश्वर सीता जी का हरण करने के लिए आया था तो उसका पूरा स्केन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावण जो है भिक्षा मांग रहा है और माता सीता उनको भिक्षा देती हैं और उसके बाद वो छल करके उनका हरण कर लेता है। अपोजिट साइड ये सीता गुफा है, एंट्री मैं कर रहा हूँ लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। सीता गुफा में ही सीता जी रहती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वट वृक्ष का पहला पेड़
और यहाँ पर मराठी शब्दों में कुछ लिखा हुआ था, अभी मैं फिर से पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। और ये लंबी लाइनें आप जो देख सकते हैं ये सीता गुफा के लिए है, और यहाँ पर अंदर सीता गुफा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं तपोवन दर्शन के लिए यहाँ पर लिखा गया है, सीता हरण, लंबे हनुमान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पंचवटी का ये दूसरा पेड़ है, दूसरा वटवृक्ष है। जी हाँ, मैं यही बोल रहा था। आप देख सकते हैं जूनी पर्ड कुटी करके लिखा है, इसका अर्थ मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये है पेड़ नंबर थर्ड, यानी कि वट का जो ये पेड़ है ये तीसरा है और ये चौथा है और उसके आगे पांचवा है। तो इन्हीं पांचों वटों के वृक्ष के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा है पंचवटी। तो चलिए अब यहाँ से लेकर आप लोगों को चलते हैं कालाराम मंदिर और कराते हैं कालाराम मंदिर का भी दर्शन। तो कालाराम मंदिर के अंदर मैं एंट्री ले चुका हूं और ये आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये मंदिर लग रहा है देखने में सीरियसली। और यहाँ का जो निर्माण हुआ है इस मंदिर का वो टोटल काले पत्थरों से हुआ है, जो कि अपने आप में काफी यूनिक है। और ये काफी पुरानी मंदिर है नासिक के अंदर और इसकी इस मंदिर की भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो चलिए फिलहाल ये दूर से आपको दिखाते हैं जूम करके, अभी अंदर भी लिवा चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और किस तरीके से इसको बनाया गया है। चलिए सबसे पहले करते हैं दर्शन। दोस्तों कालाराम मंदिर का जो निर्माण है वो हुआ था 1794 ईस्वी में गोपिका बाई जी के द्वारा, जो कि एक पेशवा थे। इस मंदिर की वास्तु शैली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से मिलती जुलती है। पूरा मंदिर ही काली पत्थर से बनाया गया है, यहाँ तक कि अंदर की मूर्ति जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की है वो भी काले पत्थर से ही बनी है, जिससे मंदिर अपने आप में अनोखा हो जाता है। क्योंकि काले पत्थर से बनी मूर्ति प्रभु श्री राम की केवल यही नासिक में ही है, इसके बाद पूरे भारत में आपको कहीं भी श्री राम जी की मूर्ति काली नहीं दिखेगी। ये बाहर से आप नज़ारा देख सकते हैं मंदिर परिसर का,